हे व्हाट्सअप गाइस, सबसे पहले गाइस तो थैंक यू सो मच बिकॉज आप लोग की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि आज मैं आईफोन की अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाने जा रहा हूँ और वो भी खुद के। और हाँ गाइस, अगर मेरे से आज से 2 साल पहले कोई पूछता कि भाई तुम आईफोन बाय कर लो तो मैं उससे बोलता कि भाई जाओ और मेरी किडनी लेके जाओ और बेच के आईफोन मेरे को दे दो आके। लेकिन आज मैंने आप लोग के सपोर्ट की वजह से आईफोन परचेज कर लिया है, वो भी किडनी के साथ। ओके तो जोक्स अपार्ट गाइस, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आईफोन 11 की अनबॉक्सिंग। और अगर मान लीजिए आप एक आईफोन परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज इस वीडियो को कंपनी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मैंने इसको एक दिन यूज़ भी कर लिया है। इसको मैंने कल बाय किया था और मैंने एक दिन यूज़ किया है और मेरे को कैसा लगा है और क्या आपको एंड्रॉयड छोड़कर iOS पर जाना चाहिए या फिर नहीं, अगर आप जाने के बारे में सोच रहे हैं, और आईफोन के क्या बेनिफिट है आज के इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। और मैंने आईफोन 11 क्यों परचेज किया ये भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। नहीं तो इसी प्राइस रेंज में और भी बहुत सारी कंपनीज के फोन भी आते हैं, लेकिन मैंने वो चूज क्यों नहीं किया, आज के इस वीडियो में क्लियर सब कुछ हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो को देखते रहना। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। इससे गाइस मेरी आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आपको ऐसी ही बढ़िया वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है मेरा iPhone 11 जो कि मैंने कल परचेस किया था, और ये जो वेरिएंट है वो 4/128 वाला है। और दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि आप 4/64 का परचेस ना करना, क्योंकि iPhone की जो मेमोरी होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। और अगर आप लोग ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि भाई हम इसमें मेमोरी डाल देंगे तो उसमें ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो दोस्तों, जब भी आप जाना तो कम से कम आप 4/128 यानी 128 GB स्टोरेज तो नहीं लेना, क्योंकि अगर मान लीजिए आप इतना पैसा लगा थोड़ा सा और लगा देना और आपको स्टोरेज भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, बाद में फ्यूचर में कभी भी आपको स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कम से कम मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप 4/128 यानी कि 128 GB स्पेस वाला ही आईफोन परचेस करना। इसके बाद गाइज, मैंने आईफोन 11 ही क्यों परचेस किया, क्योंकि गाइज जो मेरा बजट था वो 60K के आसपास था और 60K में आईफोन के और बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं यानी कि उससे कम प्राइस में। लेकिन आईफोन 11 का जो कैमरा है वो काफ़ी अच्छा है और मैंने कैमरे के लिए परचेस किया है। और अगर आप लोगों ने मेरी पिछली 3-4 वीडियो देखी होंगी तो आपने देखा होगा मैंने बोला उसमें कि मैं कैनॉन का 200D Mark II परचेस करने वाला हूँ कैमरा, DSLR यानी, ठीक है। लेकिन वो जो DSLR है वो जहाँ पर मैं रहता हूँ उस टाइम पर, वो पूरे एरिया में जहाँ पर मैं रहता हूँ वो अवेलेबल नहीं था। उन्होंने बोला कि मेरे को 1 महीना और वेट करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि चलो आईफोन परचेस कर लेते हैं, क्योंकि आईफोन का कैमरा भी काफ़ी अच्छा होता है। वैसे मेरे को ब्लॉगिंग तो करनी है नहीं अभी, तो फिलहाल मेरे को ऐसे आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर DSLR होता तो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन अगर बात की रूम में वीडियो बनाने की, तो रूम में वीडियो आप इससे भी काफ़ी अच्छी बना सकते हैं। और दोस्तों, एक बात और कि मैंने सोचा कि अगर मैं DSLR परचेस करूंगा तो पहले मैं रिकॉर्डिंग करूंगा वीडियो की, देन मैं उसको लैपटॉप में डालूंगा, देन मैं मोबाइल में डालकर टाइम मास्टर से एडिट करूंगा, या फिर मेरे को लैपटॉप से एडिट करना पड़ेगा तो कोई और सॉफ्टवेयर परचेस करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मेरे लिए वही रहेगा कि मैं एक आईफोन परचेस कर लूँ और उसी से मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि उसका कैमरा काफ़ी अच्छा होता है, उसकी क्लियरिटी जो होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। और कल ये मैंने चेक भी किया था। तो गाइस, इसी रीजन की वजह से मैंने आईफोन 11 बाय किया था। और दोस्तों, आईफोन 11 ही मैंने क्यों बाय किया, क्योंकि मार्केट में इस रेंज में बहुत सारे और फोन भी आ रहे हैं किसी और कंपनी के भी, लेकिन दोस्तों जो आईफोन का कैमरा होता है उसकी क्लियरिटी जो होती है वो थोड़ी सी बात कंपेयर किया जाए किसी और फोन से उसी रेंज में तो थोड़ी सी अच्छी होती है, और मेरे ख्याल से इससे आप लोग भी एग्री करेंगे। और चूंकि मेरा जो काम मेन था वो कैमरे का ही है, तो इसी ने गाइस मैंने आईफोन 11 परचेस किया है। और मेरा जो बजट था वो 60K के अराउंड था, तो इस रेंज में आईफोन 11 का जो ये वेरियंट है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि अगर बात की जाए आईफोन 12 मिनी की या फिर आईफोन 12 की तो वो थोड़ा सा इससे महंगा है। तो मेरा जो बजट था वो 60K के अराउंड था, तो इसीलिए मैंने ये आईफोन 11 परचेस किया है। और हाँ दोस्तों, एक बात मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा कि आईफोन जब मैंने परचेस किया तो उसके साथ ना तो मेरे को चार्जर मिला है, ना तो मेरे को एयरफोन, तो जब बात ही नहीं, जब चार्जर ही नहीं मिला तो एयरफोन क्या मिलेगा। और मेरे को एक चीज़ जो जिस शॉप से मैंने परचेस किया था उन्होंने मेरे को ये दे दिया, एक डाटा केबल, ठीक है। हालांकि डाटा केबल इसमें भी था, लेकिन उसमें जो डाटा केबल था वो आईफोन के चार्जर में ही लगता, तो उन्होंने कम से कम ये दे दिया, मतलब फ्री में, ठीक है, अपनी शॉप की तरफ से। नहीं तो अगर ऑनलाइन ऑर्डर करते तो ये भी ना मिलता, बस आपको एक आईफोन मिलता और उसके अंदर एक डाटा केबल मिलता और कुछ भी नहीं। चार्जर भी आपको अलग से बाय करना पड़ेगा, वो भी 2000 के आसपास आता है, ठीक है। यानी कि अगर आप आईफोन परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कम से कम 3-4 हज़ार रुपये अलग से रख लेना, क्योंकि ना तो आपको चार्जर मिलने वाला है और एयरफोन तो आप लेना ही नहीं, क्योंकि इसमें 3.5 mm का जो जैक का होता है एयरफोन वाला वो है ही नहीं, तो आपको ब्लूटूथ वाले ही परचेस करने पड़ेंगे तभी आपका फायदा होगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 900 रुपये का एक आता है कन्वर्टर 3.5 mm जैक वाला, ठीक है, आईफोन कंपनी का ही, आपको वो लेना पड़ेगा अगर आपको एयरफोन इसमें चलानी है तो। और मेरे को वो परचेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई कि मैं इसमें बोया का बाई M1 माइक इसमें लगाऊंगा तो वो उसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता। तो उसको भी मैंने ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से, 3-4 दिन में आ जाएगा, और जैसे ही वो आ जाएगा तो मैं फिर से आईफोन से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो आपको जो कैमरे की क्वालिटी है वो थोड़ी सी अच्छी देखने को मिलने वाली है,
थोड़ी सी भी मेरे ख्याल से काफी अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस टाइम पर मैं जिस फोन से वीडियो बना रहा हूँ वो है ओप्पो A5, जिसका कैमरा है सिर्फ 8 MP का बैक का, ठीक है, तो मैं उसी से बना रहा हूँ। और अगर बात की जाए आईफोन के कैमरे से तो मेरे ख्याल से काफी बढ़िया होने वाली है, अब देखते हैं कि कैसी होगी। तो दोस्तों ये है आईफोन 11, इसमें बैक में आपको दो कैमरे मिलते हैं 12-12 MP के, ठीक है, और फ्रंट में भी आपको 12 MP का ही एक कैमरा मिलेगा। लेकिन जो कैमरे अगर आप MP पे जा रहे हैं यानी कि मेगापिक्सल पे आप देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसकी जो कैमरे की क्वालिटी वो काफ़ी बढ़िया होती है। और मैंने यहाँ पर परचेज किया था ब्लैक और हल्का सा सिल्वर है इसका जो कलर बैक का, लेकिन काफ़ी बढ़िया है। और इसके साथ मेरे को मिला था ये एक डाटा केबल जो कि सिर्फ और सिर्फ आईफोन के चार्जर में लगेगा, ठीक है, यानी कि इसका जो चार्जर होता है वो आईफोन के चार्जर में ही लगेगा, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके साथ मेरे को मिला था ये एक बुक डिजाइन बाई एप्पल इन कैलिफोर्निया, और यहाँ पर आपको एक सिम डाउनलोड करने के लिए स्लॉट मिलेगा, मतलब ये जिससे सिम आप डाल सकते हैं, बाकी इसमें थोड़ा बहुत लिखा हुआ कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं आईफोन को, बस सिंपल यही सब लिखा हुआ, ठीक है, आपको ये मिलेगा एंड आपको एक फ़ोन मिलेगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और हाँ, आपको कहा गया इसके ऊपर एक पॉलिथीन लगी होगी जिससे आपका जो स्क्रीन है वो गंदा ना हो। और हाँ दोस्तों एक बात और कि अगर आप आईफोन परचेस करें तो मेरे ख्याल से आप इसमें बैक में जो गार्ड है वो जरूर लगवाने ना, क्योंकि अगर ये गिर जाता है तो ये टूट भी सकता है बहुत ही जल्दी, और उसके बाद क्या होगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है, इससे अच्छा आप गार्ड लगवाने ना तो आपका खर्चा थोड़ा सा कम होगा। और हाँ दोस्तों एक बात और कि इस टाइम पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैक हो रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास आईफोन है और आप अपना जो चैनल है वो उसमें लॉगिन करते हैं तो इसकी जो सिक्योरिटी होती है वो एंड्रॉयड के कंपेयर में काफ़ी बढ़िया होती है, तो आपके बहुत ही कम चांस होते हैं कि आपका चैनल भी हैक हो, तो एक और ये भी रीज़न आप बोल सकते हैं। और बाकी कैमरा तो अच्छा ही। और हाँ दोस्तों मैंने इसको एक दिन यूज़ किया हुआ है, मेरे को कैमरे की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी है एंड ये काफ़ी स्मूथ चल रहा है, तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो गाइस सिर्फ और सिर्फ कैमरे की वजह से ही आप समझ सकते हैं कि मैंने आईफोन परचेस किया है, आप देखते हैं वीडियो क्वालिटी कैसी होती है। तो गाइस उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ अगर मान लीजिए आप एक यूट्यूबर हैं और आपके चैनल पर कम व्यूज़ आते हैं तब भी अगर आप चाहें तो अपने आप माइंड से अगर आप थोड़ा सी मेहनत करते हैं कीवर्ड पर काम करते हैं तो आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, भले ही आपके 100-200-300 व्यूज भी आते हैं तब भी ठीक ठाक अर्निंग तो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी है लेकिन ठीक ठाक तो कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं एक और ऐसी ही कमाल की वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।